तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर मंथ में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार रिपीट हो रहे हैं और नए सिलेबस पर आधारित है। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए आज के इस टेस्ट को, यानी आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को कराना चाहूँगा। ये आपकी अपनी वेबसाइट है, मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है। यहाँ पर भी आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलेंगे। ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप रिडायरेक्ट हो जाइएगा वेबसाइट, वहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ये फेसबुक पेज है, आप हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो बेशक ज्वाइन हो सकते हैं, मैं हमेशा इस पर रिप्लाई दिया करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं, टेस्ट पर आते हैं। आज के टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आप पढ़ लीजिए। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, जो कंप्यूटर होता है उसके जो मॉनिटर होता है, ठीक है, उसके जो डिस्प्ले होती है उसका आकार किस में मापा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे टॉप लेवल पर रखा है। जिन स्टूडेंट का इसका करेक्ट आंसर मालूम है तो बेशक वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप टेस्ट ज्वाइन करिए, जिससे आपको पूरी तरह से हेल्प मिल सके। ठीक है, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं आप लोगों के। तो नंबर एक है हॉरिजॉन्टली, बी नंबर वर्टिकली, सी नंबर है फीट और डी नंबर है डायगोनली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डायगोनली इसमें मापा जाता है। क्वेश्चन आपको रट लीजिएगा, अदरवाइज नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। दोस्तों, मैं जल्दी से इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, ठीक है, जिससे आपको पूरी तरह से हेल्प मिल सके एग्जाम में। दो नंबर क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्युनिकेशन में प्रयोग किया जाता है। एक की के साथ दूसरा की जो होता है कॉम्युनिकेशन से बोलते हैं, तो उसके साथ कौन सा इसमें से कीज यूज किया जाता है। एक नंबर एरो कीज, बी नंबर इंसर्ट कीज, सी नंबर डिलीट कीज और डी नंबर कंट्रोल कीज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। अब डी इसलिए होगा क्योंकि कंट्रोल की के साथ हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल सी हो गया कॉपी करने के लिए, एक्स कट करने के लिए। तो चैप्टर चैप्टर आप हम कम्युनिकेशन के साथ करते हैं दो की का, ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर कंट्रोल हो जाएगा। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्यूमेंट में हार्ड डिस्क कॉपी तैयार की जाती है, डॉक्यूमेंट में हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। नंबर एक फ्लॉपी डिस्क के द्वारा, बी नंबर है डीवीडी के द्वारा, सी नंबर प्रिंटर द्वारा और डी नंबर है हार्ड डिस्क के द्वारा। तो कंफ्यूज आपको जरा सा भी नहीं होना है, जो ट्रिपल सी का एग्जाम होता है इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल ही होता है, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के रहता है जिससे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिएगा फिर उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। अब प्रिंटर क्यों होगा, क्योंकि प्रिंटर से जब आप कोई भी सॉफ्ट कॉपी कोई भी जब प्रिंट देते हैं तो हार्ड कॉपी निकल, जब प्रिंटर से वो निकलता है ना तो हार्ड कॉपी कहलाती है, तो इसलिए राइट आंसर प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। जैसे कि आपने कोई यूनिवर्सल प्रोडक्ट देखा होगा, चाहे आपकी पेन हो गई, चाहे आपका कोई बुक हो गई, ठीक है, तो उस पर आपको मैं आपको बता दूं कैसे आप देख सकेंगे उसको, ऐसे आपको लाइनों में प्रिंट दिखेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये बार कोड होता है, यहाँ पर 2301 ऐसे फिर लिखा होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बार कोड, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो ए नंबर है यूपीएस, बी नंबर है सीपीयू और सी नंबर है माउस, डी नंबर है मॉनिटर। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको मालूम है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर पे आप कुछ भी ओपन करिए तो उसका डिस्प्ले आप लोगों को, चाहे वो कुछ आपका फोटो हो, इमेज हो, वीडियो, तो आपको दिखेगी, ठीक है, सूचनाएं हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मॉनिटर पे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्कैनर क्या स्कैन करता है। ए नंबर टेक्स्ट, बी नंबर इमेज, सी नंबर डॉक्यूमेंट्स, डी नंबर इनमें से सभी। तो स्कैनर आपका टेक्स्ट भी स्कैन करता है, इमेज भी कर सकता है, डॉक्यूमेंट भी करता है, ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को क्या कहते हैं। जो शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट की होती हैं कीबोर्ड में,
इनको किस नाम से जाना जाता है? ए नंबर मॉडिफायर कीज, बी नंबर सिंबल कीज, सी नंबर न्यूमेरिक कीज, डी नंबर अल्फाबेट कीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर मॉडिफायर कीज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन 100% करिएगा और रट भी लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस, नंबर एक है सेमीकंडक्टर, बी नंबर मदरबोर्ड, सी नंबर कीबोर्ड, डी नंबर प्रिंटर। तो राइट आंसर आप लोगों को मालूम ही होगा, कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड या माउस होता तो आप माउस भी सिलेक्ट कर सकते थे, माउस नहीं है लेकिन, ठीक है। माउस होगा या कीबोर्ड होगा, एक ही होगा, ठीक है। और जहाँ पर माउस और कीबोर्ड दोनों होंगे तो वहाँ पर दोनों का ऑप्शन होगा, तो आप दोनों सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ए नंबर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, बी नंबर ऑप्टिकल कंट्रोल रिसर्च, और सी नंबर है ओरिएंटेड करेक्टर रिकॉग्निशन, और डी नंबर है नन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है? ए नंबर रोम, बी नंबर ईपी रोम, डी नंबर डी रोम, और सी नंबर है डी रोम, और डी नंबर है एस रोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी रैम, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफारी एक सर्च इंजन है, तो सफारी आप लोगों को मालूम होगा क्या है, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा फाल्स, क्योंकि सफारी एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है, ना कि एक सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन आपका गूगल याहू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए स्टार बस रिंग टोपोलॉजी प्रयोग की जाती है। तो जो लोकल एरिया होता है, जैसे कि आपकी एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है, चाहे आपका एक ऑफिस हो गया, ठीक है, और चाहे आपकी फैक्ट्री कंपनी हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बस और स्टार रिंग टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML सर्च इंजन के समान होता है। तो भैया HTML आप लोगों को मालूम ही है, एक प्रकार की लैंग्वेज होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो HTML का फुल नेम भी पूछा जा सकता है, मैं HTML का फुल नेम बता देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट आंसर हो जाएगा फाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों का एक सेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ट्रू। नियमों के सेट को हम एक प्रोटोकॉल कहते हैं, प्रोटोकॉल जैसे आपके FTP, HTTP, ठीक है, TCP, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर उपयोग करने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो भाई जब आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें OS का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना OS के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। जैसे कि एक कोई गाड़ी होती है, ठीक है, फोर व्हीलर, तो उसमें बिना ड्राइवर के गाड़ी अधूरी रहती है, यानी फोर व्हीलर। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है, अगर OS नहीं है तो कंप्यूटर आपका चलने वाला नहीं है। तो राइट आंसर इसलिए हो जाएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन का उपयोग करके हम एक बिल्डिंग में विभिन्न कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, लाइन इसीलिए होता ही लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। लाइन का फुल नेम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो एक बिल्डिंग, एक ऑफिस के लिए ये बहुत ही सूटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम परिवर्तनशील नहीं है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, ठीक है। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, बेशक बता सकते हैं, मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा मिस टाइप हुआ है, यहाँ पर रोम होना चाहिए था, ठीक है, रोम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, रोम। इसको हटा दीजिए, रैम को रोम कर लीजिए, क्योंकि रोम एक परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि रोम का फुल नेम ही यही होता है, रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ इसमें रीड किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन कोई नहीं किया जा सकता। R का मतलब रीड, O का मतलब ओनली, M का मतलब मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आप यहाँ पर रोम कर लीजिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्रू, ठीक है, रोम करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शट डाउन करने पर कोई सभी प्रोग्राम बंद हो जाते हैं? तो जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं, शट डाउन करते हैं, Alt+F4 शॉर्टकट की जो होती है बंद करने की, ठीक है, तो सभी प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। तो बेसिक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप शट डाउन करेंगे तो आपके प्रोग्राम जितने रहेंगे वो क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर ट्रू हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउजर को दिए गए निर्देशों को कुकी कहते हैं। कुकी आपने सुना होगा, कुकीज़, ठीक है, आपने नाम तो सुना ही होगा। जब आप इंटरनेट यूज करते होंगे तो आपको मालूम होगा कुकीज़ के बारे में, कोई मैसेज के तरीके से एक आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउजर को दिए गए संदेश को कुकी कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना है, कुकीज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुकीज ऐसा भी हो सकता है आपका, कुकीज ये ऐसे भी आ सकता है इंग्लिश में COCKIE, ठीक है, कुकीज ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेवलिंग वालों के लिए बेस्ट कंप्यूटर है। देखो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज क्रिएट कर रहा होगा कि डबल बार कंप्यूटर्स में दिख रहा है सॉरी इसका जो मैं आप लोगों को बता दूं, इस क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है, ट्रेवलिंग वालों के लिए बेस्ट कंप्यूटर है। भाई जैसे कि आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेवल करने से आप दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, एनीवे कहीं भी जा रहे हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को देखा होगा उसके साथ अपने साथ लैपटॉप पॉमटॉप बहुत सारे डिवाइस लेके जाते हैं, ठीक है, तो क्या वहाँ पर हम कंप्यूटर भी ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो बेस्ट होता है वो होता है लैपटॉप, ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाल्स, क्योंकि कंप्यूटर तो हम ले नहीं जा सकते, कंप्यूटर साथ हम CPU UPS पूरा सब लेकर जाना पड़े, कीबोर्ड माउस, तो वहाँ पर अगर हम वो लेकर जाएँ क्या लैपटॉप, तो बहुत ही सूटेबल है, तो इसलिए राइट आंसर इसका फाल्स हो जाएगा, हम कंप्यूटर नहीं ले जा सकते, लैपटॉप बेटर रहेगा ट्रेवलिंग के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए, डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, मॉर्निंग में भी मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग 8 बजे के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी 8 बजे के बाद, तो आप उसे भी वॉच करिए। आई होप आपको पूरी तरह से हेल्प मिलने वाली, क्योंकि पिछले बैच के स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प मिली, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, अच्छे ग्रेड से पास भी हो चुके हैं, तो आई होप, मेरी यही कामना है कि आप लोगों का भी रिजल्ट, यानी कि आप लोगों को भी एग्जाम ऐसे जाए और रिजल्ट भी अच्छे से रिलीज हो, अच्छे ग्रेड से, ठीक है, तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।